हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कलरफुल वर्ल्ड ऑफ लेट्स डीआईवाई विद केतकी, जहां मैं बनाती हूँ वेस्ट चीजों से बहुत ही सुंदर सुंदर क्यूट वाली चीजें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं एक ताज़ा खबर के साथ। ताज़ा खबर ये है कि कोई ताज़ा खबर है ही नहीं, सिर्फ इलेक्शन 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 की ही बातें चली जा रही है। और एक तरह से ये सही भी है क्योंकि इलेक्शन होने वाला है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी देशवासियों के लिए। मतलब मुझे यही बोलना है कि ये राइट वाली पार्टी है या लेफ्ट वाली पार्टी है या ऊपर वाली पार्टी है या नीचे वाली पार्टी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यू कैन कास्ट योर ओन वोट, आप खुद अपना सिलेक्ट कर सकते हो उम्मीदवार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया में सबको ये राइट नहीं है। और हमारी जो पीढ़ी है 80s 90s वाली, ये हम लोग ना ग्रांटेड लेते हैं, भाई मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट क्या करे, कौन सा गवर्नमेंट हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी है एनालाइज करो, ए या बी दोनों में से जिसी को भी वोट दे रहे हो अच्छे से स्टडी करो। एंड ये हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए, ये फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और जो भी आपके बच्चे अगर 18 ईयर्स के हो गए हो उन्हें भी आप ये बताओ कि वोट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा तो हंसी मजाक होता ही है, बट मुझे लगा कि आज ये वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ओके, अभी मेरी ऑडियंस तो बहुत समझदार बन गई है। आपने पहले के DIY में देखा मैंने क्या किया था। ओके, फिर से बताती हूँ क्या हुआ। ये देखो, एक बम फटने की आवाज आई और मैंने देखा कि मैंने पेपर को बलून के ऊपर फेविकॉल से चिपकाया था और अचानक से ये फूट गया। तो ये कैसे हुआ, मुझे लगा कबूतर आया है और उसके वजह से हुआ है। आप बैकग्राउंड में सुन सकते हो आवाज़, ये कितना कड़क बना है, बट यार इसका जो शेप है क्या बन गया है, मतलब ये बन गया है हेलमेट या फिर कटोरा। अभी मैं क्या ले लूँ, तो मैंने बहुत ट्राई किया कि इसको अच्छे से शेप दूँ मैं, पर वो शेपलेस बन गया कम्प्लीटली। पर मेरे पास ना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा नहीं इसको ही यूज़ किया जाए। सो अनइवन एजेस जो है तो उसको मैंने सिंपल यहाँ पे कट किया, एंड देन मैंने जो कुटी बारी के वीडियोस में दिखाते हैं ना वैसा ही कुछ बनाना था। तो यहाँ मैंने व्हाइट सीमेंट लिया है, उसका एक लिक्विड पेस्ट बनाया और उसको इसमें लगा दिया, एंड देन मैं अच्छे से उसको घुमा रही थी तो बन गया डिजास्टर। अब इस सिचुएशन में आके जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुम्हें एक DIY सुंदर सा बनाना है और सबसे बड़ी बात जो तुमने दिमाग में इमेजिन किया है वो नहीं हुआ, पूरा चौपट हो गया, तो अब मैं क्या करूं। मतलब ये पनीर पराठा आलू पराठा तो नहीं है कि भाई उसको फिर से आटे में मिक्स कर दिया और ये बन गया। सो आई वॉज सो डिसहार्टन, मैं क्या बताऊं। और ये सच में दिल से बोल रही हूँ, ये देखो मेरे पराठे की हालत क्या हो गई। तो ये वाला DIY मैं ऐसे ही छोड़ने वाली थी, बट देन आई थॉट कि नहीं, नेवर क्विट। तो मैंने दो तीन और फुलाए, फूट भी गए वो, और फिर मैंने ये अलग से फुला दिया, ये टिक गया, पर ये भी सुखाने के टाइम पे फूट गया। तो इसको ना मैंने क्या किया था, न्यूज़पेपर नहीं लिया, मुझे लगा वो पतला था इसलिए वो फूट गया। तो मैंने इस टाइम पे मृदुला के रजिस्टर को यूज़ किया ताकि वो पेपर मोटा है और वो टिक जाए, पर पता नहीं गलती कहाँ पे हुई। तो मैंने सोचा चल यार उसको साइड में रखती हूँ, मेरा नेक्स्ट DIY उसके ऊपर फटाफट पहले काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड पे सिंपल ये एक कटआउट बना दिया, उसके दो लेयर बनाए, एक के ऊपर एक चिपका दिए ताकि वो थोड़ा सा मोटा हो जाए। और ये क्या है, ये वही मुर्गी है दोस्तों, ये वही मुर्गी है जो कहावत है मुर्गी या पहले अंडा, तो ये वही वाली मुर्गी। और मैं ठाम से बोल रही हूँ कि पहले मुर्गी हुई थी और वो केतकी वाली ही मुर्गी थी। तो आप हमेशा याद रखना, किसी ने पूछा पहले मुर्गी या पहले अंडा, तो बोलना ये अरे केतकी वाली मुर्गी, वो ही सबसे पहले थी। हैंस प्रूफ कि केतकी के DIY वीडियोज देखना कितना इम्पोर्टेंट है, आपको मतलब एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसमें। तो देखो यहाँ पे मेरा ये पैन है, उसको भी मैंने अच्छे से पेंट किया है, बैकग्राउंड में क्लाउड्स लगाए हैं, और क्लाउड्स क्यों लगाए मुझे पता नहीं, बट एक बैकग्राउंड बनाना था इसलिए। और उसके ऊपर भी एक प्यारा सा कोट लिखा है, इसके हैंडल को भी पेंट करते हैं, उसको क्यों छोड़ दे। अब सारा पेंटिंग होने के बाद में हम इसे क्लियर सिंथेटिक वार्निश से सील कर देंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट एंड जो भी है। अरे आप बोलो कि केतकी ये क्या बोल रही हो, जो भी है पूरा सेंटेंस कंप्लीट करो। तो दोस्तों पार्डन मी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ही बड़बड़ करने के बाद ना मुंह दुख जाता है, तो जो भी गले में जो सेंटेंस है वो ही निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के फेंस बना दी, और ये क्या है, ये बहुत खास वाली घास है क्योंकि ये हमारे पहले सीजन का मैंगो है, आम है जो हमने पहले ही खा लिया, और उसका ये बचा हुआ घास को मैंने यहाँ यूज़ किया है। हमारी मुर्गी रानी भी बैठ गई, उसे थोड़ा पॉपअप इफेक्ट दिया, एंड हमारी फेंस रेडी। और ये क्या है, अंडे। तो मृदुला जब स्कूल से आई बोली मम्मा अरे क्या मस्त दिख रहा है, बट ये अंडे कहाँ से मिले, कबूतर ने फिर से अंडे दे दिए। मैंने बोला नहीं, कबूतर की अभी हिम्मत नहीं है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ हिटलर। तो यहाँ पे ये देखो वॉल पुट्टी के अंडे बने हुए, इन्हें फेविकॉल से चिपकाया, एंड हियर इज माय ब्यूटिफुल वेरी स्वीट एंड सिंपल वॉल डेकोर रेडी।
बोलो जोर से, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। और ऐसे ही पेट भर नाश्ता करने के बाद ये देखो, ये मेरा शेपलेस क्राफ्ट, ये इतना शेपलेस है तो मैंने उसे पहले इवन कर दिया, बट वो टिक ही नहीं रहा था तो मैंने उसके एजेस को ना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ही कर दिया, शेपलेस बना दिया। इतना शेपलेस बन गया और इतना सुंदर बन गया कि एड शेरिन भी आके मुझे कल बोला, अरे केतकी मेरे वाले गाने से तो तुम्हारा वाला ये शेपलेस क्राफ्ट तो एक नंबर बन गया है, टोटली नंबर वन ऑन द चार्ट बस्टर। तो ऑफकोर्स मैंने उसकी कॉम्प्लीमेंट ले ली और उसके बाद में मेरे इस बेस को एक और ढक्कन नहीं है तो मैंने यहाँ पे ना कार्डबोर्ड को ही रोल करके लगा दिया। एंड कैन यू सी, ये ही मुझे बनाना था, बट ये सीमेंट के साथ बनाना था ताकि मेरा लैम्प बन जाता, एक हैंगिंग लैम्प। बट कोई बात नहीं, फिर मैंने इसे अंदर से टील ब्लू कलर दिया है और उसके ऊपर येलो कलर के सनफ्लावर्स बनाने की कोशिश की, बट वो फेल हो गए और वो बन गए डेजी फ्लावर्स। बट जब मैंने उनको ये काला नजर का टीका लगाया तो वाह क्या सुंदर दिखने लग गए। उसके बाद मैंने लीव्स लगाए, थोड़ी सी हाईलाइट कर दी, थोड़ी आउटलाइन कर दी है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आई विल टेल यू व्हाई आई शुड टेल यू, यू कैन सी इट विथ योर ओन आईज, ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस DIY के साथ केतकी माते का जो क्राफ्ट का अनुभव है वो एक चरम सीमा पे पहुंच गया, उसे एनलाइटनमेंट हुआ कि नेवर क्विट। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से बनाना चाहते हो और अगर वो फेल हो रही है तो यू हैव टू टेक द डिसीजन टू क्विट इट ऑन टाइम, अदरवाइज आप उसको दो तीन बार और ट्राई करो, क्योंकि गलतियों से ही पता नहीं एंड प्रोडक्ट इतना सुंदर दिखेगा। देखो ये इस तरह से एक लैम्प भी बन सकता है या एक टेबल डेकोर भी बन सकता है। और ये क्या आवाज़ सुन रहे हो आप, ये तो आपको बताना चाहती थी। देखो ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट DIYs, कितना सुंदर लग रहा है, खुड़खुड़ खुड़खुड़ आवाज़ आ रही है, देखा। तो ओके विद दैट, आप ये DIY ज़रूर बना के देखिए, सीमेंट के साथ बना के देखिए और एक परफेक्ट लैम्प आप बना सकते हो या फिर एक टेबल डेकोर। तो उसके साथ ही अगर आप मेरे वीडियोस नए देख रहे हो तो पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा, बहुत क्यूट क्यूट वाले आइडियाज़ दिखेंगे आपको। एंड मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।